हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का छठ पूजा के आज सेकेंड डे में। और आज है लोहर, जिसमें दोस्तों यहां पे जो प्रसाद होता है वो वितरण होता है फर्स्ट डे। तो आज के इस पूजा के लिए फर्स्ट प्रथम चीज़ जो चाहिए वो चाहिए, जो प्रसाद जिसमें वितरण होता है वो चीज़ चाहिए। उसके लिए दोस्तों देख सकते हैं इधर आए हुए हैं हम लोग, और इधर पूरा केला का पेड़ है और केला के पत्ता पे ही जो प्रसाद है वो वितरण होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग केला के पत्ता के लिए आए हुए हैं। चलिए आप लोग को बैक कैमरा से दिखाते हैं, इधर सभी लोग लगे हुए हैं। देखिए इधर नीतीश कुमार है और एक मैया है, उसको बिट्टू कुमार लिए हुए हैं, और मनीष कुमार उधर चढ़ के काट रहा है। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए गाइस, एक पत्ता कट चुका है और इसको काट के इधर से हम लोग ले लेंगे, यहाँ से ऐसे। अरे और इधर धरा और आगे धरा। यस, देखिए इधर मनीष कुमार काट रहा है, और बढ़िया बढ़िया जो पत्ता होता है एकदम मस्त मस्त, उसको काट के ले जाना होता है इधर से, हो जाएगा। और इधर देखिए पूरा नीतीश कुमार पत्ता ले लिया है। छोड़ दीजिए अब। नहीं नहीं, अभी एक आध दो और चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक आध दो और काट लो मनीष, बढ़िया देख के। एक ऊपर वाला था काटो ना, उधर दिख रहा है मस्त पत्ता है, वो काट लो। हाँ दुखा रहा है तो तुम लेके जाओ, आगे आगे बढ़ो धीरे धीरे। और गाइस इधर से पत्ता कटने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और लेके जा रहे हैं अभी इसको घर पे, और पूरे अच्छी तरीका से पहले वाश होगा, और उसके बाद इसको पहले काटा जाएगा प्लेट टाइप का, जो प्लेट होता है उसके जैसा, और उसके बाद इसमें प्रसाद वितरण होगा। और गाइस यहाँ पे देखिए इस तरीका से प्लेट बना रहे हैं, और ये जो केला का पत्ता है इसको ऐसे ऐसे काटते हैं, और इस तरीका से प्लेट बनता है इधर, और इसके बाद वापस से इसको धोना है अच्छी तरीका से प्लेन। इधर मनीष कुमार काम कर रहा है, हाय करो जी। और यहाँ पे देखिए चाची जो है पानी में गुड़ मिला रही है, ताकि खीर जो प्रसाद बनेगा उसमें डालने के लिए। और इधर देखिए मम्मी और चाची, इधर वो जो खीर बनेगा उसके लिए वो सामग्री तैयार कर रही है, जैसे कि अभी वो बर्तन में पानी डाल रही है, फिर चावल डलाएगा, फिर दूध डलाएगा, फिर वो जो बन रहा है वो सब चीज़ डलाएगा और ओके होगा। और गाइज ये है चपुआ, जो कि ऊख होता है ना, तो उसका रस निकल जाता है, उसके पास जो बचता है उसको चपुआ बोलते हैं। और ये और आम का लकड़ी दोनों को जलाकर जो प्रसाद है वो पूरा बनाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रसाद है वो बनकर तैयार हो चुका है, और अब जो प्रसाद है वो थाली में निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो प्रसाद को ग्रहण करेंगे, और पहले प्रसाद ग्रहण करने से पहले पूजा किया जाता है, वो पहले यहाँ पे पूजा हो रहा है, और इसके बाद प्रसाद खाएंगी, और इसके बाद जो प्रसाद है वो सभी लोगों में वितरण किया जाएगा। तो चलिए अब आप लोगों को बाहर लेके चलते हैं, और वहाँ पे प्रसाद वितरण कैसे करना है वो सब चीज़ आप लोगों को दिखलाते हैं। और गाइस सभी मम्मी ये सब प्रसाद ही खा ली है, तो अब टाइम है प्रसाद वितरण करने का, तो अब चल रहे हैं हम लोग बाहर सब चीज़ वो लेकर प्रसाद। और यहाँ पे एक स्टॉल टाइप का लगता है जिसमें प्रसाद रख दिया जाता है, और जो जो लोग बाहर से आएंगे, जिनको इन्विटेशन दिया हुआ रहेगा, या जो जिनको नहीं, मतलब जितना आदमी आएंगे सब लोग को प्रसाद यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए ले चलते हैं हम बाहर आप लोग को, और दिखाते हैं कितना मजा आता है। और गाइस ये रहा स्टॉल, और इधर देखिए केला का पत्ता है जिसमें प्रसाद दिया जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्रसाद आया हुआ है, ये खीर और ये पूरी, और ये मनीष भाई है प्रसाद चलाएगा अभी, और इधर ढोलू है। अब जैसे जैसे लोग आएंगे, और ये रहा अपना घर गाइस।